शाहरुख खान यानी कि किंग खान के फैंस के लिए थोड़ी टेंशन वाली खबर है। किंग खान की तबीयत दरअसल बिगड़ी है और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा है। शाहरुख खान अहमदाबाद में आईपीएल मैच देखने के लिए गए हुए थे जहां उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। शाहरुख खान अहमदाबाद में आईपीएल मैच देखने के लिए गए थे और उनकी तबीयत में अचानक से कुछ गड़बड़ी हुई। दिग्गज एक्टर मंगलवार यानी कि 21 मई को कल अपने आईपीएल टीम केकेआर का प्लेऑफ मैच देखने के लिए अहमदाबाद गए थे और टीम ये मैच जीत गई थी। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मैच देखने के दौरान डिहाइड्रेशन की वजह से शाहरुख खान की तबीयत अचानक से बिगड़ी है और इसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। आईपीएल का कल जो मैच हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच प्लेऑफ का ये मैच था, मुकाबला था और इसमें केकेआर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। जीत दर्ज की, खास मैच होने की वजह से स्टेडियम में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ भी थी और मुकाबले में शाहरुख खान की टीम केकेआर ने जीत हासिल की। टीम की जीत के बाद शाहरुख खान स्टेडियम में अपनी टीम और फैंस का अलग अंदाज में शुक्रिया अदा करते नजर भी आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किंग खान ने मैच के बाद अपनी टीम के साथ कुछ वक्त भी गुजारा था और सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन अहमदाबाद में ज्यादा गर्मी और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है इसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और इसके बाद शाहरुख खान को अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर यह है कि डिहाइड्रेशन और गर्मी को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, तो फैंस के लिए भी ये एक प्रकार से नसीहत है कि वो भी इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रखें, डिहाइड्रेट ना हों और गर्मी में बाहर निकलने से बचें, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भीषण गर्मी को लेकर जारी की जा रही है।